हेलो दोस्तों, लक्स लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वैकेंसी आ चुकी है। बहुत आईटीआई और डिप्लोमा वाले छात्रों को इसका बहुत इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। आईटीआई और डिप्लोमा कोई भी छात्र इसे अप्लाई कर सकता है। अगर आपने मैकेनिकल से आईटीआई किया, डिप्लोमा कुछ भी किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी नेम में आप देख सकते हैं लक्स लाइटिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम है। दोस्तों, लक्स लाइटिंग एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसकी चार ब्रांचेस हैं, आपको हैदराबाद, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद। इसमें से किसी भी एक जगह पे आपको जॉब लोकेशन रहने वाला है। दोस्तों, इसके अबाउट सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, लेबोरेटरी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कंपनी है ये। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं, रिक्वायरमेंट आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स फॉर टेक्निकल सेल्स इंजीनियर एट हैदराबाद, मुंबई, सूरत एंड अहमदाबाद लोकेशन। इनमें से किसी भी जगह आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं जॉब पोजीशन की। तो दोस्तों, पोजीशन आपकी टेक्निकल सेल इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल से किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, ओनली इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों, मिनिमम कम से कम आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अब दोस्तों, जो एक्सपीरियंस रहना चाहिए वो आपको ध्यान रखना है, किसी भी टेस्ट लेबोरेटरी या फिर साइंटिफिक इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी साइंटिफिक इंडस्ट्री में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली ले लिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, अगर आपके पास 18 से 30 साल का एज लिमिट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 18 से 30 साल के बीच में अगर आप हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी एंड बेनिफिट की। तो दोस्तों, सैलरी आपको इंटरव्यू के समय ही आपकी सैलरी आपको फिक्स कर दी जाएगी। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है, 25 से 30 हज़ार के बीच में। कम से कम सैलरी आपकी 25 से 30 हज़ार के बीच में रहने वाली है। दोस्तों, आपको हाई सैलरी भी देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको काफ़ी अच्छा सैलरी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं। आपको जहाँ पे काम करना पड़ेगा वो है इंस्टॉलेशन ऑफ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ असेंबल्ड लेबोरेटरी साइंटिफिक। दोस्तों, करना क्या है, आपको जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों, जिन भी छात्रों ने ये काम किया हुआ है, जिन्होंने काम किया हुआ है इंस्टॉलेशन का, वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो जानते होंगे। नंबर दो पे बात करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ ऑल ऑपरेटिंग पार्ट टू इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन विद एक्सपेक्टेड टॉलरेंस। दोस्तों, जो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको इंस्पेक्शन करना होगा। दोस्तों, ट्यून एंड ट्रबल शूट इक्विपमेंट फॉर प्रॉपर ऑपरेशन के लिए ट्यूनिंग एंड ट्रबल शूट देखना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं 4 नंबर की। तो इंटरेक्ट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोजेक्ट मैनेजर ड्यूरिंग फील्ड प्रोजेक्ट। दोस्तों, फील्ड प्रोजेक्ट की पोस्ट के लिए आपको जब भेजा जाएगा या फिर इस काम के लिए आपको लगाया जाएगा, तो आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए के तौर पे काम करना है और उनके साथ इंटरेक्ट करना है। तो दोस्तों, क्लियरली 5वां नंबर है, क्लियरली एंड प्रोफेशनली इंटरेक्ट विद द कस्टमर। दोस्तों, कस्टमर के साथ कैसे हैंडल करना है, वो भी इसमें आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, 6ठा नंबर है, असेंबल एलाइन एंड इंस्टॉल इक्विपमेंट एज नेसेसरी। जो भी दोस्तों ज़रूरी हैं, उनके जो नेसेसरी हैं, असेंबल करना है, इंस्टॉल करना है, तो ये आपका वहाँ पे काम रहने वाला है। दोस्तों, जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दिया, जॉब लोकेशन आपका हैदराबाद, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, इन चार जगह पे कोई भी रहने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसका ट्रेवलिंग। दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको 15 से 20 दिन कम से कम 15 से 20 दिन महीने में आपको लोकल एरिया में वहाँ पे ट्रेवल करके काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इसे अप्लाई करने के मेथड की। तो अप्लाई करने का मेथड बहुत ईजी है। आपको सिंपल अपना एक रिज्यूम बनाना है, एक अट्रैक्टिव रिज्यूम होना चाहिए। दोस्तों, रिज्यूम में आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप सारी क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। और दोस्तों, अगर आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस उस रिज्यूम में डाल दीजिए। और रिज्यूम एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि वो लोग आपको हायर कर सकें। तो दोस्तों, ईमेल आईडी मैं बता दिया हूँ, इस ईमेल आईडी पे cto@luxmed.in, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है। दोस्तों 27 अक्टूबर को आपको वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना होगा। आप उससे पहले ये अपना फॉर्म सेंड रिज्यूम में जो अपना ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए,
और वो लोग आपका एक इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के समय ही आपका सैलरी पैकेज सारी चीज़ें डिसाइड कर दी जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।